नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पनेड़ा खुर्द की सरपंच हैं जो कि विमलेश कुमारी, उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं अर्जुन सिंह। उनसे हम विस्तार से जानेंगे उनके गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं। तो अर्जुन जी, आप मैं गाँव पनेड़ा खुर्द से विमलेश कुमारी का चचा ससुर हूँ और इनकी गाँव की जो है देख रेख मेरे ही अंदर हो रही है और जो भी जिम्मेवारी है, देख रेख है, जो भी काम हुए हैं मैंने ही कराए हैं। पहले नंबर पे आप ले लो शमशान घाट की बाउंड्री टैल है, उसके नीचे उसमें एक हॉल है और उसकी एक छतरी है और एक भोले जी की मूर्ति पधारी है और गेट है, उसमें काफ़ी काम हुआ है। उसमें 8-10 कुर्सी डाली गई हैं। उसके बाद में आप आ जाओ, आप जहाँ पर हम खड़े हैं ये है बाबा पंचमनाथ का मंदिर, उसके सामने का 55 फुट का रास्ता जिसमें 35 फुट का पहले कंप्लीट तैयार हुआ है चौड़ा, उसमें जो मिट्टी डला करके 1-2 फुट ऊंचा कर करके काफ़ी कब पानी भर जाता चौमासे में उसमें टैल लगाई हैं। और उसके साथ साथ उसके सामने ही कॉम्युनिटी सेंटर है, कॉम्युनिटी सेंटर के सामने ही चार दीवारी उठाई है, उसके ऊपर की 2.5-3 फुट उठाने के बाद का उसका पलस्तर है और उसमें एक कॉम्युनिटी सेंटर है, एक चौपाल है उसके बनाई है, उसके दोनों साइड के दोनों गेट नए तैयार हुए हैं। उसके बाद में चले जाओ आप हमारे जाटनवाड़ी आंगनवाड़ी है, उसकी बाउंड्री के साथ साथ उसमें गेट है और टाइल है। उसके सामने का रास्ता है सत्संग भवन से लेकर नेपाल मास्टर तक का, उसमें टाइल लगाई हैं। उसके बाद में आप ले जाओगे हम गाजी मोहल्ले की चौपाल से लेकर और अखेराम के वहाँ तक एक रास्ता है जिसमें कभी बना नहीं 20-25 साल से, उसमें अब की बार पहली बार टाइल लगी हैं। उसके बाद में अखेराम से वे बनाया है, उसके बाद में सुंदर वकील से लेकर के और देवी मंदिर तक का रास्ता उसको भी टैल लगा के कंप्लीट किया गया है जी। उसके बाहर है अटाली वाले रास्ते से लेके और गाजी वाले मंदिर है उसमें टाइल लगाई हैं और एक है सत्संग भवन के साथ का रास्ता, उसमें टाइल लगाई, सत्संग भवन के आगे राजन तक उसमें जो है टाइल लगाई गई हैं। और उसके बाद में है अपना जो है मंदिर एक है खेरा देवत, उसके वे रास्ता है खेरा देवत से लेके जो है आगे एक मंदिर है उसमें टाइल है, बहंगड़िया के जो भी मोहल्ला है उसमें देवी खेरा देवस से लेके और PWD रोड तक उसमें भी टाइल लगी है और एक बीच का रास्ता है उसी में उसमें भी टाइल लगाई गई हैं। उस ऊपर से लेके बहंगड़िया मोहल्ले से ऊपर से लेकर PWD रोड तक टाइल लगाई गई हैं। और उसके बाद में है हमारा जो है उसके पास है एक आंगनवाड़ी में है जो है एक चबूतरा कम्प्लीट किया गया ऊपर, उसमें टाइल लगाई गई हैं, उसका काम भी कंप्लीट और उसका गेट चढ़वाया गया पुराना जो भी है रिपेयरिंग करके। कितने विकास कार्य हुए पैसे की बात करें तो पैसे की बात करें मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ रुपए के काम हो गए, 4-5 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। लेकिन अब मेन काम एक जोड़ का काम रह हो चुका है पल्ली साइड का और एक पेरी की रास्ता जो कभी नहीं बना, सबसे मेन काम है 50-60 लाख रुपए का था पेरी की रास्ते का ही काम हुआ है। ऐसा कोई मन की इच्छा जो आपके अभी रह गई और आगे करवाना चाहते हैं आप? देखो काफ़ी इच्छा तो काफ़ी चलती रहती हैं, ये तो मन की है, जैसे ही गवर्नमेंट पैसा देती है उसी तरह से काम विकास होते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि भाई ये सरपंच रहते तो बल्लभगढ़ है और सरपंच बन गए उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देते, काम कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन काम आपके सामने गिनवाए गए हैं और आप मेरे साथ में जा करके तुरंत मेन वहाँ पर जगह पर जहाँ पर काम हुए हैं उनको आप देख सकते हो, करवाई ना करवाई गांव के लिए तो गांव ने मुझे चुना था, लेकिन चुना वोट उनको दिए लेकिन बना मैं हूँ, सबको खुशी अर्जुन सिंह के नाम पर ही वोट मिली है, काम मैं देख रहा हूँ, सरपंच नाम का वे हैं। अच्छा, अब वे तो आते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन विमलेश कुमारी क्या है जोड़ों के दर्द के कारण थोड़ी समस्या है, ASVN हॉस्पिटल से दवाई चल रही है। अच्छा, गाँव के लोगों का कैसा सहयोग रहा विकास कार्यों में? गाँव का लोगों का देखो ये तो गाँव का बहुत अच्छा सहयोग रहा है विकास कार्यों के लिए, टेकचंद शर्मा से जो पैसे लेके आए वहाँ भी जाना आना उनमें लगा है सहयोग। वर्तमान विधायक का कैसा सहयोग है आपके साथ? वर्तमान में अभी देखो बहुत बढ़िया है सहयोग, जैसा भी रहेगा आगे भी बहुत बढ़िया सहयोग रहेगा। गाँव के लोग उसको अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे, जैसे भी है कैंडिडेट जो भी आगे जैसे काम विकास देख करते रहेंगे उसे सहयोग करेंगे। तो दोबारा चुनाव लड़ोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता मैं, तो गांव में एक बार लड़ चुका हूं, आगे नहीं लड़ूं। क्यों जी? बस इतना मेरी इच्छा एक बार की थी, आगे कोई तो इच्छा रही होगी। आप क्या आप आगे विकास नहीं करना चाहते गाँव का? करना चाहता हूँ लेकिन आगे जब योजना होगी देख लेंगे। क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? लेकिन क्या है चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आपने क्या है काम करते हुए भी नहीं कह देते काम नहीं किया, इससे तो पहले ही हाथ जोड़ ले हुए बढ़िया।
लेकिन आप मेरे साइड पे चलो, मेरे कामों को देखो, उसके बाद पता चलेगी काम हुए या नहीं हुए। मैं मेरे गलबजे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन साइड पे जाने से काम के विकास के बारे में बात चलिए पता चलेगी जब हम आपको जगह पे मौजूद पर काम दिखाएंगे। तीन चार चौपार बनवा दिए और क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि अर्जुन सिंह जी को आपने सुना है, कह रहे कि भाई दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, लोग तानाकसी छींटाकसी ज्यादा करते हैं, इसी वजह से नहीं लड़ना चाह रहे हैं ना चुनाव। अरे इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।